मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के इन कलेक्टरों की तबादले। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के इन जिलों के कलेक्टरों की तबादले के विषय में। यहाँ पर जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दर्शकों आपको बता दें मध्य प्रदेश में IAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण सूची जारी की गई जिसमें श्योपुर कलेक्टर भी शामिल है। मध्य प्रदेश IAS अधिकारियों की स्थापना सूची इस प्रकार है। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण सूची आप लेटर देख पा रहे हैं जिसमें 19 फरवरी 2024 का लेटर दिया गया है जिसमें नीचे तालिका के खाना 2 में प्रदर्शित भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के उनके नाम के समक्ष पदस्थापना की जा रही है जिसमें नंबर 1 पर है श्री लोकेश कुमार जाटव जो कि आयुक्त वाणिज्य कर इंदौर तथा प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर अतिरिक्त प्रभार को जो है सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का। श्री स्वतंत्र कुमार सिंह जो कि 2007 बैच के हैं सचिव मध्य प्रदेश शासन के थे इन्हें यहाँ से हटाकर आयुक्त बनाया गया है वाणिज्यिक कर इंदौर तथा प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश वित्त विभाग वित्त निगम इंदौर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं श्री अनुराग चौधरी जो कि अपर सचिव थे मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विकास तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के इन्हें यहाँ से हटाकर प्रबंधक संचालक बनाया गया है मध्य प्रदेश खनिज निगम मध्य प्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन सचिव खनिज साधन विभाग तथा संचालक और प्रशासन एवं खनिज कर्म संचालनालय भामिकी एवं खनिज कर्म भोपाल का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन के। इसके साथ ही संजय कुमार जो कि कलेक्टर थे जिला श्योपुर के ने यहाँ से हटाकर अपर सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन का। इसी प्रकार से श्री राजीव रंजन मीणा जो कि मध्य प्रबंधक संचालक थे मध्य प्रदेश खनिज निगम मध्य प्रदेश भोपाल के ने यहाँ से हटाकर उप सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन का।